This is Devishish Pandya. I welcome you all to Prime Time with Devishish on our channel, jiska naam hai Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirants. Am I clearly visible and audible to everyone? Can we have a quick tech check before we begin? Audio, video, sab kuch clear hai, sab log ek bar bata do mujhe chat mein, so that we can start the session. I hope the previous sessions of the code of civil procedure were helpful to you. ठीक है, बताओ मुझे कमेंट में करके. टुडे इट हैपेंस टू बी द लास्ट लेक्चर. ठीक है, ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. वी विल बी डन विद दिस. कैन आई हेयर अ कमेंट फ्रॉम यू ऑल? एम आई क्लियरली विजिबल, ऑडिबल? Okay. There's some flickering issue that is coming. Okay. Chalo, great. All perfect. Chalo. Kangasi. All okay. Great. Chalo, guys. So I hope in the past couple of days we have done a substantive part of the code of civil procedure and now we are good with it. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है आप सभी को. I guess. चलो बैठे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो आज की अपनी बातचीत शुरू करेंगे. गुड इवनिंग सभी को, अ वेरी गुड इवनिंग. देयर इज सम फ्लिकरिंग इशू विद द, बट नाउ आई गेस इट्स बेटर. चलो ठीक है. ठीक है, चलो ग्रेट. चिराग जी, गुड इवनिंग. दिव्या जी, प्रशांत जी, और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. विमन करा दीजिए. जजमेंट राइटिंग आरजीएस मींस देना है. पंकज गौर जी, यार इसमें कुछ फ्लिकरिंग हो रहा है. Just a second, I'm just checking if it's एक सेकेंड रुकना यार, ये कुछ तो इसमें दिक्कत आ रहा है. ये क्यों फ्लिकरिंग हो रहा है? ना ना, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है, चलो रहने देते हैं. चलो ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. सेशन शुरू करते हैं, कोई बात नहीं. चलो, सॉरी यार, सॉरी फॉर द डिले. सो गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सॉरी फॉर द डिले. मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी लोग जानते हैं. ठीक है, माय नेम इज देवीशीष पांडे. वी आर डूइंग अ क्रैश कोर्स फॉर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. और अपन ने पिछली पांच क्लासेस, एक्चुअली देखो आज के सेशन का नाम फाइव है, बट इफ इट इज इफेक्टिवली सेशन नंबर सिक्स. सेशन नंबर फाइव जो था उसमें हमने आरजीएस वैकेंसी के लिए डिस्कस किया था सेशन नंबर फाइव में. तो वो फाइव जो था वो बैकलॉग था, तो उसको मैंने नेम फाइव दे दिया. ठीक है, बट आप वो उसको देख ले जाओ कि वो कन्वे किया मैंने, जैसे भी हुआ दो चेंज करने पड़ते. इसलिए आइडिया इज कि आप लोग जानते हो कि व्हाट इज द नेक्स्ट सेशन अबाउट, राइट? सो टुडे इज अ इंपॉर्टेंट सेशन. वी विल बी टेकिंग मिनिमम 10 ऑफ द टॉपिक्स of the code of civil procedure in today's class. I hope the previous sessions were helpful to you. और आज हम बात करेंगे बहुत सारे नए पॉइंट्स की, और आप देखेगा आपको सीपीसी का काफी 30-40% तो आज की क्लास में ही समझ में आ जाएगा एक ही क्लास में. ठीक है, चलिए शुरू करें अपनी कहानी. सब लोग वीडियो लाइक कर दो यार, फिर शुरू करते हैं. चलो, पिछली क्लास देख ली थी ना सबने, सबको समझ में आ गया था. सो चलो आज से हम शुरू कर रहे हैं.
एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज से, ठीक है। कल तक हमने अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज पढ़ लिया था, वहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं एक बार रिकैप कराऊं तो शुरुआत से तो अपन चलते आ रहे थे, लेकिन कल की क्लास में हमने मेजरली प्लेंट की बात करी थी, रिटर्न स्टेटमेंट की बात करी थी, रेप्लिकेशन रिजॉइंडर की बात करी थी, रिटर्न की बात करी थी, रिजेक्शन की बात करी थी, सेट ऑफ काउंटर क्लेम की बात करी थी, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज को अपन ने डिवाइड किया था, पहली चीज थी कि जब समन्स हैव नॉट बीन ड्यूली सर्व और द प्लेंटिफ हैज फेल्ड टू पे द फीस फॉर द फ्रेश सर्विस ऑफ समन्स, पहला चीज था। दूसरा, द प्लेंटिफ अपियर्स एंड द डिफेंडेंट डजेंट अपियर्स। तीसरा, डिफेंडेंट अपियर्स, प्लेंटिफ डजेंट अपियर्स। और चौथा, बोथ द पार्टीज डू नॉट अपियर। तो उसके केस में हमने देखा था बाकी सब जगह तो सारी राइट्स अवेलेबल थे, लेकिन जब प्लेंटिफ खुद नहीं अपियर होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसी कोर्ट के पास सेटिंग असाइड डिग्री का रेमेडी अवेलेबल था, राइट। यहां तक कि अपन ने सारी बात कल समझ ली थी, ठीक है। आज अपन शुरू करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज बाय द कोर्ट। देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहली क्लास में ही ये बात समझाई थी कि जब हमने देखा कि एक प्लेंट सबमिट हो गई, एक रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट हो गया, रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर सबमिट हो गया, सब चीजें ये हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट इशू आएगा वो बेसिकली ये आएगा कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का। लेकिन सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले कोर्ट एक बार पार्टीज को एग्जामिन करता है, और अगर पार्टीज को एग्जामिन करने पे उनको लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, इन दैट केस दे कैन गो फॉर एडीआर। ये बात मैंने आपको समझाई थी। अभी देखो, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बेसिकली इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो है फर्स्ट हियरिंग का। फर्स्ट हियरिंग का देखो, फर्स्ट हियरिंग के केस में बहुत ज्यादा क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट है जो फर्स्ट हियरिंग की दो अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सिराज अहमद वर्सेस प्रेमनाथ का, डेफिनेटली ये 1993 का है, पुराना जजमेंट है। वो ये बोलता है कि फर्स्ट हियरिंग इज द डेट ऑन विच द कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड टू द कंटेंशन इन द प्लीडिंग्स, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है सर, अच्छा मुस्कान जी, ओके ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली दो कोर्ट्स की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही दो जजमेंट्स हैं जो फर्स्ट हियरिंग को अलग अलग मानते हैं। तो जब आप भी मेंस में आंसर लिखोगे तो आप क्यों एग्जैक्टली नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी एक हायर बेंच का इस पे जजमेंट आना है और इस पे लॉ की क्लैरिटी नहीं है एज ऑन डेट व्हेन आई एम टॉकिंग। तो फर्स्ट हियरिंग को कुछ कोर्ट्स बोलते हैं कि ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए जब पार्टी को एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया है तभी, उसी स्टेज को हम फर्स्ट हियरिंग बोलते हैं। एक जजमेंट ऐसा बोलता है और दूसरा जजमेंट बोलता है कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद जब पहली डेट फिक्स करी जाती है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद जब हम ट्रायल में जाते हैं कि अब कोई भी विटनेसेस को अपियर होना है या कोई डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उस समय की जो डेट होती है उसको फर्स्ट हियरिंग कहा जाता है। तो देयर आर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हु हैव अ डाइवर्जेंट व्यू ऑन द पॉइंट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। तो इस पे लॉ सेटल्ड नहीं, ठीक है, और फर्स्ट हियरिंग जो है वो आपका सीपीसी में डिफाइंड नहीं। तो जब सीपीसी में डिफाइंड नहीं है तो वो जजमेंट्स के थ्रू आएगा, और जब जजमेंट्स के थ्रू आएगा तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं करना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एग्जामिन किया जाता है पार्टीज को फर्स्ट हियरिंग में। फर्स्ट हियरिंग में पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा, और पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ये देखेगा कि उसको एडीआर के लिए भेजना है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें सेटलमेंट की गुंजाइश है तो कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उसको एडीआर में भेजेंगे, ठीक है। और अगर वो एडीआर में नहीं भेज रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस कि इसमें एडीआर की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यहां इसलिए समझाना चाहता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज होता है फर्स्ट हियरिंग में, इसमें भी एक बार एक तरह से एडीआर के लिए जब भेजा जाता है तब भी इश्यूज फॉर्मुलेट होते हैं, लेकिन वो इश्यूज फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहलाते हैं। और जब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेल हो जाता है तब कोर्ट जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करता है तो वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज दूसरे होते हैं। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट हियरिंग का कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ऑफ द कोर्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने क्या बताया, हाँ, इश्यूज फॉर द एडीआर एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ये जो चारों टर्म्स मैं बोल रहा हूं इंटरचेंजेबली, इनमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है एज टू लॉ। इस पे क्लैरिटी कंप्लीट नहीं एग्जिस्ट करती। व्हाट हैपेंस इज कि कोर्ट्स में जो प्रेसिडेंट चल रहा होता है, बेसिकली मैंने आपको कल समझाया था कि ये सारे प्रोसीजर इतना स्विफ्टली होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। कोर्ट के पास आपने भेजा, कोर्ट ने देखा हाँ हाँ वही उस समय आए हुए, तो उन्होंने एडीआर के लिए भेज दिया।
तो वो उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप ये समझो, आइडियल सिचुएशन में अगर मैं आपको कंप्लीट एक सिचुएशन समझाऊं, तो जब प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट सारी प्लीडिंग सबमिट हो गई, तो कोर्ट पार्टीज को बुलाए, पार्टीज कोर्ट के पास पहुंचे। अब उसको आप फर्स्ट हियरिंग मानते हो या नहीं मानते हो, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बट पार्टीज वहां पहुंची और उन्होंने अपनी बात रखी कि ये हमारा मैटर इन डिस्प्यूट है। तो उस समय अगर कोर्ट को लगता है, उस समय कोर्ट को लगता है कि इनके बीच में सेटलमेंट की गुंजाइश है, तो कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि वो एडीआर के लिए उन पार्टीज को भेजेंगे। बेसिकली समझना आपको ये है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जब आपको भेजा जा रहा है, तो भी वो कुछ इश्यूज फ्रेम करके उनपे एडीआर करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इश्यूज सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से अलग इश्यूज होते हैं। कहने का मतलब, कोर्ट के पास कोई केस आया कि अभी इसमें क्या करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको देखते हैं इसमें सेटलमेंट आवश्यक है, तो वो एडीआर के पास भेज देते हैं इश्यूज फॉर्मुलेट करते हैं। जब एडीआर फेल हो जाता है, तब ये लोग वापस आते हैं कोर्ट के पास, और जब वापस आते हैं तब कोर्ट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करता है ऑर्डर 14 में, ठीक है, तब कोर्ट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करता है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो भी उसमें चिंता की बात नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर नंबर पूछा जाता है, फर्स्ट हियरिंग का क्या है, किसके ऊपर क्या नाम है ओनस होता है इसका करने का, मेंस में थोड़ा बहुत कभी कभी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कभी आप ये दो अलग अलग तरीके से टर्म सुनोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब, इस पे लॉ बिल्कुल कॉन्सोलिडेटेड नहीं है, दैट इज वॉट आई बिलीव एज ऑफ नाउ टूडे। कैन आई हैव अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या है वो थम्स अप क्विकली? चंगा सी, गुड इवनिंग पद्मा जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर, इफ एडीआर इज सक्सेसफुल देन कॉम्प्रोमाइज डिक्री, कॉम्प्रोमाइज डिक्री नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एडीआर के बेसिस पे ही डिक्री आ जाएगी। मतलब ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो भी है उसके आधार पे उसको नोट करेगी कोर्ट, और उसको ऑन रिकॉर्ड लाएगी और उसके आधार पे डिक्री दे देगी। यार आप लोग को समझ में आया कि नहीं, प्लीज सब लोग एक बार यस नो लिख दो, अगर नहीं आया तो आई कैन रिपीट। मतलब सर, ये एडीआर का क्या कंसेप्ट है विद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, आई मिस्ड दैट पॉइंट। देखो बेसिकली, देखियो देखो होता क्या है, ये ओवरलैपिंग इसलिए है, नटशेल में एक बार चलो मैं फिर से बताता हूँ। देखो, जब प्लीडिंग सबमिट हो गई पार्टीज की, अब प्लीडिंग सबमिट होने के बाद दोनों पार्टीज जब कोर्ट में अपियर हुई, जब दोनों पार्टीज कोर्ट में अपियर हुई, तो वही फर्स्ट हियरिंग कहलाएगी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से। अब ये जो फर्स्ट हियरिंग है, इसमें कोर्ट जो होगा पार्टीज को एग्जामिन करेगा कि तुम लोग के बीच में क्या डिस्प्यूट है, हमें समझाओ। तो ये दोनों पार्टीज जो होंगी, ये समझाएंगी कि हमारा कंफ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है। जब वो कोर्ट को ये बात समझाएंगे और कोर्ट अपना प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, उसके आधार पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें एडीआर पॉसिबल है या नहीं। अगर एडीआर पॉसिबल है तो कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि कोर्ट को उस सूट, उस डिस्प्यूट को एडीआर में भेजना मैंडेटरी है। अब कोर्ट उसको एडीआर में भेजना है, तो एडीआर में भेजने के लिए प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भेजे जाएंगे, कोई उसके इश्यू फॉर्मुलेट किए जाएंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ द इश्यूज बोलते हैं उसको, फॉर द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फॉर्मुलेशन ऑफ द इश्यूज फॉर एडीआर। तो वो कोर्ट कुछ इश्यू बना के देगा कि आप इन इश्यूज पे जाके अपना सेटलमेंट करिए। अगर सेटलमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो उस एडीआर की रिपोर्ट के आधार पे कोर्ट अपनी डिक्री प्रनाउंस कर देगा। अगर एडीआर फेल हो जाता है, अगर एडीआर फेल हो जाता है, तो कोर्ट वापस से पार्टीज को बुलाएगा और फिर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करेगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करेगा। ये बात समझ में आई? देखो यार, ये बहुत ही अलग लेवल की बात है, ठीक है, अलग लेवल की बात है का मतलब ये रेगुलरली ना बुक्स में लिखा होता है ना कहीं पे भी लिखा होता है, ठीक है, लेकिन लॉ यही है, लोग बस इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि इश्यूज फॉर्मुलेट हो गए एडीआर के लिए, वही सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है। बट आपको ये याद रखना है कि ये जो एडीआर के लिए इश्यू बने थे वो एक डिफरेंट चीज थी, और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एक डिफरेंट चीज होता है। चलो खैर, आप गलत चीज पे जाओ ही नहीं, पहले गलत पढ़ो, फिर उसके बाद उसको अनलर्न करो, फिर नया पढ़ो, इससे अच्छा बस जो बात मैंने बताई है उसको याद रखो, ये बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट बात है। जिसने पढ़ा हुआ है पहले से
उसको मैं बता रहा हूं कि तुमने जो भी पढ़ा था वो कंफ्यूजन वाला था और ये सही है। जिसने ये बात पढ़ी ही नहीं है कभी, वो सिर्फ मेरी बात को आंख बंद करके विश्वास करे। ठीक है, दैट इज द लॉजिक। वर्क्स वर्क्स, कैन वी गो अहेड। अब 89 में लिखा है कि चार तरीके से एडीआर हो सकता है। कौन कौन से हैं? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, कंसीलिएशन, ठीक है, जुडिशियल सेटलमेंट, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट बाय द लोक अदालत्स। लोक अदालत्स उसको छोड़ दो, उसमें बहुत ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि वो बहुत टाइम तक लोग वो थोड़ा सा है, हाई एंड क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो। मैंने इसलिए बता दिया, मुझे लगा सब तरह के लोग मतलब वो है, पहली बार पढ़ रहे हो तो बस इतना याद रख लो जो मैंने बता दिया, दैट इज मोर देन इनफ, काम हो जाएगा, भरोसा रखो। ठीक है, मीडिएशन, तो ये चार तरीके के होते हैं जिसमें कोर्ट भेजता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, मीडिएशन। देखो सिंपल लॉजिक है, एडीआर मतलब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के ऊपर का बर्डन कम करना और पार्टीज को बाहर मौका देना कि वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर ले। इसका सिंपल भाषा में प्रिंसिपल ये होता है कि जब कोई डिस्प्यूट कोर्ट में आया है तो किसी भी पार्टी के पास राइट होता है कि वो मतलब चलो इसको ऐसे ही समझो, बस इतना ही समझो, फिर कंफ्यूज हो गए तुम लोग, एडीआर समझो। ठीक है, एडीआर का मतलब बस आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत और मीडिएशन। ये जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग लोक अदालत होता है, तो आप बोल सकते हो पांच तरीके के मैकेनिज्म होते हैं जिससे सेटलमेंट हो सकता है। अगर सेटलमेंट फेल हो जाएगा तो आप क्या मतलब ये जो एडीआर था, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये फेल हो जाएगा तो कोर्ट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए जाएगा। ठीक है, बस इतना बात ध्यान रखो, कुछ और मत याद रखो। ठीक है, इतना बहुत है समझने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यार देखो, यहां तक की तो बात अपन ने पूरी कर ली है, अब इसके आगे, क्योंकि दिस हैपेंस टू बी द लास्ट क्लास ऑफ द क्रैश कोर्स, ठीक है, तो मैं आज आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सात आठ टॉपिक है वो पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद मुझे लगता है कि मुश्किल से 10-20% टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, 10-20% टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज बोल रहा हूँ, 10-20% टॉपिक रहेंगे जो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, या फिर अगर मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी है, जिस हिसाब से भी है, उस हिसाब से 6 दिन में मैं जितना पढ़ा सकता था मैंने पढ़ा दिया। मैंने ओवरव्यू आपको इसलिए दिया था कि अब आप कोई भी प्रोविजन पढ़ोगे तो आपको हमेशा वो कनेक्ट करेगा। कहने का मतलब, अगर कल संडे है, आप सुबह उठ के पूरी सीपीसी बेयर एक्ट से सिर्फ पढ़ डालते हो, सिर्फ बेयर एक्ट से अगर आप पूरी सीपीसी पढ़ डालते हो तो आपको एक्चुअली में 90% चीजें समझ में आएंगी। याद रहेंगी नहीं रहेंगी वो एक बात की बात है, बट आप कनेक्ट कर पाओगे कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था इस क्रैश कोर्स का। एनीवेज, लेट्स मूव। अच्छा हाँ गाइस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई हैव टू मेक कि भाई अभी तो 6 1 साल का या 12 महीने का या 18 महीने का लेने पे 6 महीने का स्कीम चल रहा था, बट क्योंकि अभी आरजेएस का भी नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, यूके का भी आ गया, उसके बाद अभी एमपी का भी चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही थी, तो कुछ बच्चे थे कि सर नोटिफिकेशन के बाद ऐसा आया, या कुछ दिक्कत हो गई जो उनको लग रहा कि यार चलो पहले ले लेते तो बेहतर रहता। तो जो कोई भी ऐसा सोच रहा है भाई, 30 एंड 31 जनवरी को एक और ऑफर आया है, जिसमें अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं DPJ10, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब 10% तो पहले भी मिलता था अगर मेरा कोड यूज करते थे, अभी वही डबल हो गया है। ठीक है, 10 प्लस 10 तो इट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो अभी जो भी प्राइसिंग प्लान है उसमें ये कोड DPJ10 यूज करने पे 20% मिल रहा है, सिर्फ 30 और 31 जनवरी के लिए। तो अगर आप सोच रहे थे तो यू कैन टेक दैट। दिस इज अ बैच, सारथी बैच, जो हम ऑल द एजुकेटर्स ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस बैच, जो एक फाउंडेशन बैच होगा सारे स्टेट स्पेसिफिक। 26 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है। ऑल द एजुकेटर्स हैव स्टार्टेड टेकिंग देयर लेक्चर्स विद वेरियस सब्जेक्ट्स। टॉकिंग अबाउट मी, तो आई स्टार्टेड विद सीपीसी ऑन द 27th ऑफ जनवरी। दैट इज अ डिटेल्ड कोर्स। यहाँ पे जो मैंने 6 दिन में पढ़ाया वही चीज वहां पे मैं 1.5 महीने में पढ़ाऊंगा। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू ऑल वॉट इज नीडेड टू क्लियर अ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, नोट्स से लेकर, नोट्स तो मैं डिक्टेट करता ही हूँ, उसके अलावा भी जितनी भी चीजें हो सकती हैं उसको हम करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इफ यू आर अ प्लस स्टूडेंट। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ क्लास आर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, और इसका अपग्रेडेड वर्जन है आइकॉनिक, जिसमें मिलती है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो 27,500 रुपए सब्सक्रिप्शन है 6 महीने का, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 37,813 है, 18 महीने का 46,406। कल कोई तो कह रहा था कि सर मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो भाई अगर आपको लेना था तो अब ले लो, 20% डिस्काउंट है, फटाफट से नई स्कीम आई है, कल ले लो। ठीक है, DPJ10 कोड यूज करना,
30 और 31 को लेते हो तो इसी कोड से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज रेगुलर डिस्काउंट 10% है, ठीक है। चलो ग्रेट, स्पेशल क्लासेस बाय मी एंड अदर एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लस ऐप, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल इज विड्रॉल ऑफ सूट। विड्रॉल ऑफ सूट ये एक दूसरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मुझे लगा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। विड्रॉल ऑफ सूट का क्या मतलब है? ऑर्डर 23 रूल 1 और 2 में, ठीक है। विड्रॉल ऑफ का सूट का सिंपल भाषा में मतलब है यार कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी प्लिंटिफ है जिसके पास एक सूट फाइल करने का उसको स्टैचुटरी राइट है, तो कभी भी उस सूट को विड्रॉ करने का भी राइट उसके पास है। देखो उसको कॉज ऑफ एक्शन है, ये लॉ बोलता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। लेकिन सिविल केसेस में ये जो रेमेडी होती है ये इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। ये जैसे सीआरपीसी आईपीसी में पढ़ते हो आप, तो जो ऑफेंस है वो अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, यहाँ पे जो जो कॉज ऑफ एक्शन होता है वो अगेंस्ट एन इंडिविजुअल होता है। तो इट्स ऑलवेज ऑन द इंडिविजुअल टू एनफोर्स दैट रेमेडी बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो जब भी आप इस प्रिंसिपल की बात करते हो तो अगर किसी भी इंसान के पास, किसी भी प्लेंटिफ के पास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चिराग जी, तो अगर आप मेरी बात सुनो कि मैं यह कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी सूट फाइल कर सकते हो एज अ प्लेंटिफ, तो वही लॉ आपको ये बताता है कि आप अपना कॉज ऑफ एक्शन जो है या अपना जो सूट है उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। तो लॉ ये समझाता है कि अगर आप सूट फाइल कर सकते हो तो एट एनी स्टेज द प्लेंटिफ ऑल्सो हैज अ राइट टू अबेंडन हिज सूट और विड्रॉ हिज सूट। कहने का मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें नहीं प्रोसीड करना है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, तो दैट इज नोन एज द विड्रॉल ऑफ द सूट। तो विड्रॉल का लॉजिक समझ में आया? अभी सिंपल बात याद रखो, विड्रॉल दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और दूसरा हो सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। दो तरीके से विड्रॉल हो सकता है, बस कहानी की तरह समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ने जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट के देखिए सिंपल सा बात है, वही जो लॉजिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास राइट है एक कॉज ऑफ एक्शन को फाइल करने का, तो आपके पास राइट है उसको विड्रॉ करने का भी। अगर आप चाहते हो कि आपको रेमेडी नहीं एनफोर्स करनी है, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, यू कैन वेरी वेल डू दैट, यू हैव अ राइट फॉर दैट। तो इसका लॉजिक सिर्फ एक याद रखना, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग द प्लेंटिफ कैन एबंडन द सूट, ठीक है, एबंडन द सूट। द प्लेंटिफ हैज दिस डिस्क्रिशन दैट इफ ही डज नॉट वॉन्ट द रेमेडी फॉर विच ही हैज अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ही कैन ऑलवेज विड्रॉ इट कि सर अब हमें इस केस को नहीं लड़ना है। उसके अपने कोई भी पर्सनल रीजन हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है, उस पर लॉ बात नहीं करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है कि सर अगर आपने सूट को विड्रॉ किया है, इन दैट केस यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। बहुत लॉजिकल सी बात है, आपने सूट फाइल किया, कोर्ट ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी, समन भेजा, कुछ भी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी थी, आइडिया इज दैट नाउ यू आर विड्रॉइंग इट। तो अगर आप उसको विड्रॉ कर रहे हो तो क्या आपको दोबारा वही सूट फाइल करने का मौका देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बहुत ही लॉजिकल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कांट इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, जो कॉज ऑफ एक्शन पे आपने पिछला सूट फाइल किया था, जो आपके ग्रीवियंस थे, वही चीज सेम आप दोबारा एक फ्रेश सूट फाइल करके नहीं कर सकते, अगर आपने जो विड्रॉल है वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट किया है। मतलब आपके पास जो इनहेरेंट राइट था विड्रॉल का, उसके आधार पर अगर आपने सूट विड्रॉ किया है तो आप एक फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। वहीं दूसरी तरफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अगर होता है तो डेफिनेटली यू हैव द लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये परमिशन ऑफ द कोर्ट वाला जो लॉजिक है वो लॉजिक ही यही है कि आप कोर्ट से परमिशन मांग रहे हो, कि सर हमें अपना सूट विड्रॉ करना है और हमें आप लिबर्टी दे दीजिए टू फाइल अ फ्रेश सूट। तो कोर्ट इस केसेस में अगर आपके विड्रॉल को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको फ्रेश सूट फाइल करने की अनुमति दे दी जाती है। अब बात आता है सर, ये जो फ्रेश सूट का फाइलिंग हो, ये जज साहब अपनी विम्स एंड फैंसीज पे करेंगे क्या कि तुम्हारी बात हमें सही लग रही है? ऐसा नहीं, देयर आर लिमिटेड ग्राउंड्स
व्हेन द कोर्ट विल गिव परमिशन फॉर द विड्रॉल ऑफ सूट। तो ये क्या है, ये सिंपल दो तरीके से है। पहला है कि जो सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड है इट विल फेल ड्यू टू फॉर्मल डिफेक्ट। फॉर्मल डिफेक्ट बेसिकली क्या हुआ, एक एक सूट फाइल हुआ, एक सूट फाइल हुआ, ठीक है। अभी सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने और इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग प्लेंटिफ को यह लगता है कि सर किसी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ध्यान रखना, किसी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया, और अगर हमारा सूट आगे जाएगा तो हो सकता है इसी बेसिस पे मेरे अगेंस्ट डिक्री आ जाए या मेरे डिटरमेंट में कोई चीज हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस आई विल रिक्वेस्ट द कोर्ट कि सर आप मुझे परमिशन दे दीजिए इस केस को विड्रॉ करने के लिए, मैं एक नया सूट फाइल कर दूंगा आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80 का नोटिस, सेक्शन 80 का नोटिस, गवर्नमेंट सूट की बात जब आप करते हो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना मैंडेटरी है, ठीक है। कुछ सिचुएशन में नोटिस वेव ऑफ किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, बट जनरल लॉ ये है कि वो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। अब मान लीजिए आपने वो नोटिस नहीं दिया और आपने फटाफट से प्लेंट अपनी दायर कर दिया, आपको सूट नंबर मिल गया, आपकी सूट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। जब समन्स की बारी आई तो आपको रियलाइज हुआ, समन्स भेज दिए आपने या नहीं भी भेजे, आपको रियलाइज हुआ कि आपने सेक्शन 80 की रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल किए, तो आप कोर्ट के पास गए और आपने कहा सर हमने सेक्शन 80 का जो नोटिस था उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करी है। और अगर गवर्नमेंट के वकील साहब आ गए और उन्होंने यही बात कही कि इनका तो सूट क्या नाम है डिसमिस कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं करी थी, तो इनका कॉज ऑफ एक्शन अरूज ही नहीं हुआ, तो इन दैट केस मेरा पूरा वो अगेंस्ट चला जाएगा। तो आप कृपा करें और मुझे विड्रॉ करने की अनुमति दे दें और मैं आपको बाद में, मतलब बाद में प्रॉपर कोर्ट में फिर से फाइल कर दूंगा। वैल्यूएशन गलत हुआ है, स्टैंप गलत लगा है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पे आप कोर्ट से परमिशन मांग सकते हो कि सर हमें विड्रॉ कर लें दो, हम ये सारी कमियों को दूर करके वापस से इस सूट को फाइल कर लेंगे। इफ द कोर्ट गिव्स द परमिशन देन योर फ्रेश सूट इज नॉट बार्ड। लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल मक्खन जैसा सरल, मक्खन जैसा लॉजिकल नहीं बोल रहा, मतलब मक्खन जैसा समझ आ रहा है ना। और दूसरा एक और ग्राउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ फ्रेश सूट। ये क्या होता है ये समझ लो सर, ये लिखा हुआ है उसी में, आप जाओगे तो लिखा हुआ है 23 में रूल 1 से रूल 1 और 2 में आप देखोगे तो ये सब चीजें लिखी हुई है। सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्लीडिंग अ फ्रेश सूट, इसमें सिंपल बात ये होती है कि कोर्ट को आप ये कन्विंस करते हो कि सर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हमें कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ, जब हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आए तो हमें रियलाइजेशन हुआ कि मेरा कुछ और ही ग्राउंड बन रहा है, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे तो एक नया सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो आप मुझे इस सूट को विड्रॉ कर लेने दीजिए और उसके बाद वोंट गिव परमिशन का क्या मतलब, सिर्फ इन्हीं दो पे परमिशन देगी अशोक जी, सिर्फ इन्हीं दो केसेस में परमिशन देगी, बाकी में रिजेक्ट हो जाएंगे। यही तो डिडक्टिव लॉजिक कहलाता है, जब अगर आपको बताया गया है कि कोर्ट किस किस कंडीशन में दे सकती है तो इन दैट केस इट इज ओनली दिस वे ना, यही तो मतलब हुआ ना। तो सर आप विड्रॉल का सिर्फ इसी केस में कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब मान लो, ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब मान लीजिए कि आप उनसे डिस्प्यूट कर रहे थे कि आपका किसी प्रॉपर्टी पे पोजेशन है या नहीं है किसी भी तरीके से, किसी किसी क्या नाम है विल से या इंटरस्टेट सक्सेशन से, समझो आप इंटरस्टेट सक्सेशन से किसी के अपने अपने किसी रिलेटिव भाई बहन किसी के अगेंस्ट बात कर रहे थे कि आपका 1/4 बनना चाहिए, ये चीज आप लड़ रहे थे। केस लड़ते लड़ते आपके सामने एक विल आ गई जो विल कहती है कि पूरे प्रॉपर्टी का मालिक आप ही हो, तो आप इंटरस्टेट सक्सेशन पे केस लड़ोगे क्या 1/4 के लिए? तो उस केस में आप कोर्ट को यकीन दिलाओगे कि आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि आप एक फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो और ये चीज जो है ना, इससे इसके अलावा आपका एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया और इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इस तरह के टिपिकल सिचुएशंस होती हैं जब आपको परमिशन मिल जाती है कोर्ट से कि चलो आप विड्रॉ कर लो, एक फ्रेश सूट फाइल कर दो, क्योंकि अभी तो चीजें चेंज हो गई। कई बार ऐसा हो सकता है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जिससे आपको रियलाइज होता है कि आप अलग ही राइट के लिए क्लेम कर रहे थे, आपके पास तो कुछ और ही राइट है।
सर यू आर द बेस्ट, हर चीज की इतना इजीली समझाते हैं आप, जैसे दिमाग में आकर सेट हो जाता है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सबको मिल, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, थैंक यू सो मच। ठीक है बस पढ़ो तुम लोग यार, जज बन जाओ, इतनी सी बात है। ठीक है अब बात आती है कॉम्प्रोमाइज की। विड्रॉल समझ में आ गया? जीवन में कभी भूलोगे विड्रॉल? मुझे बताओ जीवन में कभी भूलोगे? इस जीवन की नहीं, मैं अगले जीवन की भी बात कर रहा, नहीं भूलोगे? सवाल ही नहीं उठता है सर, भूलने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है टॉपिक्स कहाँ लिखे थे मैंने, क्या क्या पढ़ा था, अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है? हाँ विड्रॉल के बाद तो पहले कॉम्प्रोमाइज ही पढ़ाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। विड्रॉल के बाद कॉम्प्रोमाइज, तो विड्रॉल के बाद क्या आएगा? कॉम्प्रोमाइज आएगा। ठीक है अभी विड्रॉल कर लिया था, अब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है कॉम्प्रोमाइज और विड्रॉल का जो लॉजिक है ठीक है वो भी सेम ही है। जब आपने कोई राइट आपका एग्जिस्ट करता था, उसकी एक लीगल रेमेडी एग्जिस्ट करती थी, आपके पास ऑप्शन था, ठीक है आपके पास ऑप्शन था कि आप उसको वापस ले सकते थे, तो कॉम्प्रोमाइज में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको सेटलमेंट करना चाहते, राइट right. तो विच कैन बी डिसाइडेड, लॉ ये मानता है, एक लॉ का रूल होता है, एक लॉ का प्रिजम्पशन होता है, उसको लिख लो काम आ जाएगा कभी। ऑल मैटर्स, ऑल मैटर विच कैन बी डिसाइडेड, ऑल मैटर विच कैन बी डिसाइडेड इन अ सूट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड डिसाइडेड By means of compromise, means of compromise, ठीक है कि हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि दो भाइयों में लड़ाई चल रही थी कि प्रॉपर्टी इसकी है या उसकी है, दोनों भाइयों ने मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि यार एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने से क्या है, आधी प्रॉपर्टी तुम रख लो, आधी प्रॉपर्टी हम रख लेते हैं, खत्म हो जाती बात। इंटरस्टेट सक्सेशन के कंसेप्ट को नहीं लाना, मैं जनरल बता रहा हूँ। ठीक है अभी आप बताने लगे सर उसका तो एक बटे है, वो क्लास वन है, फैमिली लॉ नहीं आता मुझे, दैट इज द ओनली सब्जेक्ट। कोई पूछ रहा था मुस्लिम लॉ, भाई मुझे सिर्फ फैमिली लॉ ही जो है एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जीवन का जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे कमांड नहीं। बाकी टीआरपीसी भी आपने पढ़ा है मुझसे, सीपीसी आप पढ़ रहे हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तीन क्लासेस पढ़ी है। आपको लगेगा सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप क्या पढ़ा दो, उसको जाके एक बार देखो आपको समझ में आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है तो सारे लॉस पढ़ा सकता हूँ फैमिली लॉ के अलावा, तो कभी भी मैं फैमिली लॉ का अगर कोई एग्जाम्पल देता हूँ तो उसकी टेक्निकलिटीज में मत जाना, किसी भी और लॉ का एग्जाम्पल देता हूँ कहीं पे भी और तो वो टेक्निकली भी सही हो, फैमिली लॉ का नहीं सही होगा। ठीक है तो ऑल मैटर्स विच कैन बी डिसाइडेड इन अ सूट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय मीन्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है ये कहता है बेसिकली कॉम्प्रोमाइज ये है कि आपका एमिकेबल मीन्स है, एमिकेबल मीन्स है, और एमिकेबल मीन्स कह सकते हो प्लस आप कह सकते हो। हाँ अंजलि जी मैंने कहा था मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा और मैं उस बात से मुकरा भी नहीं हूं, ये भी एक बात है, मैंने कहा था कि मैं बाकी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और मैं उस बात से मुकरा भी नहीं हूं, बट अभी मैं कॉम्प्रोमाइज पढ़ा रहा हूं तो अभी आप इसको कॉम्प्रोमाइज को समझिए, आई एम नॉट डिनाइंग इट। तुम लोग तो ऐसे सोचते हो कि मैं भाग के कहीं चला जाऊंगा, रोज आता हूँ 8:30 बजे यहीं पे, तुम लोग छोड़ोगे मेरे को अगर मैं कोई भी कमिटमेंट करके पीछे हटूंगा तो, चिल करो हो जाएगा। ठीक है म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है एमिकेबल मींस प्लस म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है आपका, आप दोनों ने डिसाइड किया कि सर देखो ये सब केस में क्या करेंगे हम, ठीक है 10-20 साल केस चलता रहेगा, हमारा नुकसान होगा, पैसा टाइम एनर्जी सब लगेगा, सो वी हैव डिसाइडेड टू एमिकेबली सेटल बाय म्यूचुअल कंसेंट दिस डिस्प्यूट और आप हमारा कॉम्प्रोमाइज करवा दीजिए। तो कोर्ट कहता है ठीक है, वही चीज होती है कॉम्प्रोमाइज में भी जो एडीआर में होती है, ये सारे ये चीजों का होने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट खुद से वहां पे कॉम्प्रोमाइज करवाने लगेंगे। ठीक है हाँ ठीक है अंजलि जा रहे मैं मजाक कर रहा था, कोई परेशान होने का, ठीक है तो आपको बोला जाएगा कि जाओ तुम कॉम्प्रोमाइज करके आओ, वो क्या करेंगे कॉम्प्रोमाइज डीड होगी उसमें सारी बातें लिखी होंगी, भारती जी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे टेम्पररी इंजंक्शन पढ़ाएंगे। अब सब लोग अपना अपना टॉपिक मत बताने लगना कि सर ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, मैं अपने हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक है वो लेके आया हूँ, उनको आप लोग सुन लो, मेरे हिसाब से वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है तो मैं यही समझा रहा था, क्या बोल रहा था मैं, डीड राइट, मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे सूट चल रहा है, ठीक है जब आपका सूट चल रहा है तो आपने कोर्ट से बोला
कि हम एमिकेबल मीन से म्यूचुअल कंसेंट से इसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कोर्ट विल सेंड यू कि जाओ तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके आओ। अभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आप क्या करोगे, आप एक डीड बनाओगे जिसमें आप सारी बातें लिखोगे कि हमारा ये चीजें एग्जिस्ट कर रहा था और हमने ये चीजें देखी और इनका ये क्लेम था, मेरा वो क्लेम था, मैं अपना क्लेम विड्रॉ कर रहा हूं और ये भी अपना क्लेम विड्रॉ कर रहे हैं, एंड वी हैव अग्रीड टू अ सेटलमेंट दैट दिस विल बी द न्यू कंडीशंस। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, पहले तो एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर क्या होता है, ये जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री आप साइन करते हो, कॉम्प्रोमाइज डीड सॉरी जो आप साइन करते हो, ये कोर्ट में जैसे जहां पे भी आपका सूट जिस भी स्टेज में था वहां पे कॉम्प्रोमाइज की बात हुई तो कोर्ट वहीं पे स्टॉप करेगा और फिर जो आप कॉम्प्रोमाइज डिग्री लेके आओगे उस कॉम्प्रोमाइज डीड को उस सूट में लगाया जाएगा। और जज साहब जब जजमेंट देंगे तो वो ये लिखेंगे कि ये इश्यूज थे जो हमारे पास आए, इसकी ये प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला और उसके बाद उनकी ये कॉम्प्रोमाइज डीड है जिसके आधार पर ये चीजें निकल के आती है, एंड हेंस द सूट इज डिसमिस्ड और ये फाइनल डिक्री आ गई कि इनके कॉम्प्रोमाइज में जो चीज लिखा था वही चीज डिक्री में आ जाता है, वो इफेक्टिव हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज अपने आप में वैलिड नहीं होता है, बट वेन इट बिकम्स अ डिक्री आउट ऑफ अ सूट इट हैज अ लीगल इम्प्लीकेशन, ठीक है, दिस इट हैज अ लीगल इम्प्लीकेशन। अभी कॉम्प्रोमाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है जरूरी जानना दो तीन चीजें, एक तो कोर्ट को चेक करना होगा कि कॉम्प्रोमाइज लीगल है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज लीगल है और जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रोमाइज के बारे में, पहला उसका रूल 3A ऑर्डर 23 का जो ये बोलता है कि नो सूट शैल बी फाइल्ड टू सेट असाइड अ डिक्री बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज पे कोई डिक्री कोर्ट ने दे दी है तो उस डिक्री के अगेंस्ट कोई सूट नहीं होगा, टू सेट इट असाइड, नो अपील विल लाई। 96 क्लॉज 3 में कहता है नो अपील विल लाई फ्रॉम अ डिक्री विच हैज बीन बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि यार आप हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम नहीं कर सकते ना। एक बार आपने बोला कोर्ट से कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, कोर्ट ने आपको आउट ऑफ सेटलमेंट के लिए जाने को बोल दिया, आप कॉम्प्रोमाइज डीड में साइन करके लाए हो, आपकी कॉम्प्रोमाइज डीड के आधार पे कोर्ट ने डिक्री दी है, एंड नाउ यू वांट टू अगेन चैलेंज इट या उसको अपील करना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज द लॉ दैट इट इज नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद ये तो नॉर्मली बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो बात बेयर एक्ट में नहीं लिखी हुई है वो ये है कि एक केस था, एक टर्निंग पॉइंट तो देखो आता ही है हमारा सीपी से जो है बॉलीवुड पिक्चर पे, जब भी आपको लगेगा कि हीरो और हीरोइन जो मैं मिलने वाले हैं वैसे ही विलन की एंट्री हो जाएगी और एक ट्विस्ट आ जाएगा। तो ट्विस्ट यही है कि सही बात है कि नो सूट एग्जिस्ट और नो अपील लाइज, ये बात बिल्कुल सही है, बट बनवारी लाल वर्सेस चन्नू देवी का केस था जिसने सिंपल बात कही, ये कहा कि फ्रॉड अंड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन, अगर सामने वाला पार्टी ये प्लीड करता है कि जो हमारा कॉम्प्रोमाइज था वो जरूर किया है, वो कॉम्प्रोमाइज हमने जरूर किया है, बट दैट कॉम्प्रोमाइज वॉज बेस्ड ऑन फ्रॉड अंड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन, इन दैट केस ही कैन अवेल द रेमेडी बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ कि सर अब इसको सही किया जाए, ही कैन फाइल अ फ्रेश सूट फॉर द सेम, वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है विद रेफरेंस टू द सेम। आई एम नॉट वेरी क्लियर कि वो अपील लाई करती है, अपील आई गेस नहीं लाई करती, इट इज ओनली अ फ्रेश सूट, जस्ट चेक जजमेंट मैंने लिखा था, फ्रेश सूट तो फाइल कर ही सकता है, दोनों कर सकते हैं, आई हैव चेक्ड इट, दोनों कर सकते हैं, अपील भी कर सकता है और फ्रेश सूट भी ला सकता है। ये जो दोनों प्रोविजन मैंने आपको बताया जो कि बार्ड है इन केस ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री, बनवारी लाल केस से ये बात आई कि अगर पार्टी जो है वो प्लीड करती है फ्रॉड अंड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्शन, इन दैट केस बोथ दीज रेमेडीज विच वर अर्लियर नॉट अवेलेबल, अर्लियर का मतलब अकॉर्डिंग टू द कोड नॉट अवेलेबल, वो अब अवेलेबल हुई। कहने का मतलब आप एज अ जज बैठे हो, आप ऐसे सोचो सिंपल बात, कॉम्प्रोमाइज डिक्री आपने करी, उसके बाद क्या हुआ, जो एक पार्टी थी दोनों पार्टी तो बराबर पे रही ना कॉम्प्रोमाइज में, कॉम्प्रोमाइज में ऐसा तो कुछ है नहीं कोई एक पार्टी हार गई या कोई एक पार्टी जीत गई, कॉम्प्रोमाइज का मतलब ही है विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, बोथ ऑफ देम आर एट द सेम पोजिशन, ठीक है। तो एक पार्टी अपीलेंट कोर्ट के पास पहुंच गई कि सर ये चैलेंज करना है, वो कहेंगे क्यों करना है, क्या हुआ था, वो कहेंगे सर कॉम्प्रोमाइज डिक्री हमने साइन की थी,
वो कॉम्प्रोमाइज डीड हमने साइन करी थी उसमें डिक्री आ गई है, अभी उसको अपने को चैलेंज करना है। कहेंगे तुम जाओ 96(3) पढ़ो जाके, उसमें लिखा है कोई अपील नहीं हो सकती है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज डिक्री तुम हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम नहीं कर सकते, एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लो फिर अपील फाइल करो। तो वो कहेगा सर एक बनवारीलाल जी का जजमेंट है जिसने कहा है कि फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन अगर है तो मैं अपील भी फाइल कर सकता हूँ और फ्रेश सूट भी फाइल कर सकता हूँ, और इस केस में मैं ये प्लीड कर रहा हूँ कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे तो बोला गया था कि तुम ये कॉम्प्रोमाइज दिखाने के लिए कर लो और क्या नाम है हम तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे। या बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोर्शन कर दिया था, इन्होंने क्या नाम है मैं मेरे घर वालों को किडनैप कर लिया था या बोले थे उनको हम मार डालेंगे, और इस तरह की चीजें की थी, इसकी वजह से मैंने साइन कर दिया। आज क्या हुआ है, मैं उनको सबको बहुत दूर पे छोड़ाया हूँ, अभी मुझे किसी का डर नहीं है, तो अब मेरे को करने दो। द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर, द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर दैट दीज आर द ग्राउंड्स बिकॉज दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। देखो लॉ में यही चल रहा है, लॉजिक चल रहा है। पहला लॉजिक ये था कि साहब कॉम्प्रोमाइज किया तो बाद में बोल रहे हो आप फिर से कि अपील फाइल करनी है या फ्रेश शूट करना है, ये एक पार्ट है ऑफ द स्टोरी। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है ना कि फाइल गई हो, उस पॉसिबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, तो हमें उसको भी बैलेंस करना होगा। तो ये जो तराजू बना हुआ है ना, जो आप देखते हो ना वे एंड बैलेंस, वो यही है वे एंड बैलेंस। जो आप जो देखते हो ना कि वो देखते हो ये वो अपना जस्टिस लेडी लेके खड़े होते हैं ऐसे तराजू, उसका मतलब ही है ये कि दोनों को बैलेंस करना। एक बार इनको पकड़ो कि तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, अभी क्या वो बोलता है ये, तो नहीं फिर उनको पकड़ो कि उन्होंने गलत किया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्रोमाइज। यार अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं अर्जिता मैम कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या लेंगे। अशोक जी आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव टू चेक विद हर, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट अवेयर एज ऑफ नाउ। बाकी आप मैम से भी पूछ सकते हो चैट में, उनकी क्लास में, यू कैन डेफिनेटली आस्क, ठीक है, वो बता देंगे आपको, बिकॉज मेरे को सारा शेड्यूल नहीं याद रहता है ना। सो दैट्स राइट, थैंक यू। अदर देन दैट क्या कह रहे हैं, हाँ इंपॉर्टेंट तो बताएंगे सर, प्लीज इफ यू टीच पार्टनरशिप एक्ट इट वुड बी रियली हेल्पफुल, थैंक यू फॉर द सीरीज, रियली हेल्पफुल फॉर अस। हाँ मेघा जी देखता हूँ मैं, ठीक है, बेसिकली इट अलाउज ऑल द ग्राउंड्स टू मेक द अग्रीमेंट इनवैलिड, या दैट कैन बी सेड इन द टर्म्स की कॉम्प्रोमाइज भी आपका एक तरह से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वही चीज आ जाएगा, आ जाएगा, वही लॉजिक आप ले सकते हो, ठीक है। सूट्स तुम लोग भी कड़ी से कड़ी जोड़ने लगे हो, वो जो कहते हैं ना कड़ी से कड़ियां जोड़ना, या वर्क्स, दैट इज अ गुड लॉजिक, वर्क्स, ठीक है। और लॉ पढ़ने का यही मजा है यार, लॉ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि खुद को जवाब दे सको, कुछ सीखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गया, विड्रॉल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, फर्स्ट हियरिंग हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो गया, एडीआर के बारे में भी थोड़ा तो बताई दिया आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब आपको लग रहा है ना कि अभी आप इसको हैंडल कर सकते हो, यू कैन हैंडल सीपीसी वेल, यार लाइक करना, आज देखो लास्ट लेक्चर है, कल मैं एमसीक्यू कराऊंगा सीपीसी के, ठीक है, इसी टाइम पे कंसेप्ट की क्लास आज खत्म होती है, तो आज के मैं तो बता देना कमेंट करके मुझे वीडियो में कि हाउ डिड यू लाइक दिस एंटायर सीरीज ऑफ सिक्स क्लासेस, सिक्स क्लास में कैसा सीपीसी पढ़ाया। मुस्कान ये सर यू आर एपिटोम, नहीं मैं अभी ऐसा तारीफ सुनने के लिए नहीं कह रहा था, मैं आपको जनरली बोल रहा था, इट अपने को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट पढ़ने में कि लोगों तक अपनी बात पहुंची, इट जस्ट मोटिवेट्स मी टू वर्क मोर, तो मोटिवेशन की बात है, जैसे आपको चाहिए होता है ना मोटिवेशन एग्जाम के लिए, वैसे ही मुझे भी चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, चलो शानदार, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अभी बहुत सारी चीजें समझनी है, अभी गवर्नमेंट सूट समझना है, इंटरप्लीडर सूट समझना है, समरी सूट समझना है, टेम्परेरी इंजंक्शन समझना है, उसके बाद फिर समझना है अपील, ठीक है, और अपील के बाद एग्जीक्यूशन, और इतना तो समझना ही है, इतना तो कम से कम समझना है, कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ कर सकते हैं सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, चलो अभी चले शुरू करें, आगे बढ़े। तो भाई वो डील बता दिया ना अपन ने 30th 31st को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, ठीक है, उसको देख लेना, अगर किसी को लेना है तो ले लेना, ठीक है ना, ऐसे बच रहे हैं यार इसलिए बता रहा हूँ, बाकी तो ठीक है सर, ठीक है, चलो। हाँ गवर्नमेंट सूट, अरे शिवी जी आज की क्लास के बाद ना कल सुबह एक बार शांति से बैठना और पूरा सीपीसी पढ़ाना, सब समझ में आएगा। हाँ वो राजीव पहले वाले वीडियोस हिडन हैं, वो
हिडन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सूट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सूट। बस ठीक है, अभी कोई ये तारीफ का कंपटीशन नहीं हो रहा है। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा कहने वाला था मुझे बताना कि पूरी सीरीज कैसी रही। अभी ठीक है, थैंक यू सो मच, मतलब मैं समझता हूँ आप लोग की फीलिंग भी। थैंक यू सो मच फॉर एच एंड एवरी थिंग दैट यू गाइस से। चलो बढ़िया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, जो जो नहीं है टेलीग्राम का, ठीक है। उधर पे स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करते अपन, ठीक है। चलो गवर्नमेंट सूट की बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू दीदी। चलो गवर्नमेंट सूट, अभी सिंपल लॉजिक, सिंपल सादा लॉजिक, 2 मिनट में खेल खत्म है गवर्नमेंट सूट का। 2 मिनट, 2 मिनट में खेल खत्म। लॉ ये कहता है कि भाई जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है जिसके अगेंस्ट आप उठा के सूट लगा दो और वो बेचारा डिफेंड करता रहे। गवर्नमेंट को ऐसे प्रिज्यूम किया जाता है। हाँ भारती जी, सारथी बैच में सभी चीज की क्लासेस होंगी सूनर और लेटर, मतलब जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, सभी चीज की क्लास होंगी। यस वी हैव प्लान्ड क्लासेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस ठीक है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ऑर्डर 27 वाला ही है गवर्नमेंट स्कूल, ऑर्डर 27 में दिया हुआ है, ऑर्डर 27 में दिया हुआ है और सेक्शन नंबर 79-82 में दिया हुआ है। अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट करना है, ठीक है, ठीक है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होगा गवर्नमेंट, उस केस की भी बातें करते हैं, लेकिन अगर मेजरली वो ये बात करते हैं कि आपको अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट करना है तो क्या कैसा प्रोसीजर होगा, उसकी बात करते हैं। देखो लॉ ये बात प्रिज्यूम करता है, ठीक है, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट है दैट इज इंगेज्ड इनटू अ लॉट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज फॉर द पीपल, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ड्रैग्ड इनटू अननेसेसरी लिटिगेशन, बिकॉज ड्रैगिंग द गवर्नमेंट इनटू अननेसेसरी लिटिगेशन विल एक्चुअली हैम्पर द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इट इज डूइंग फॉर द पीपल। अभी क्या होता है क्या नहीं होता उस पर अपने को बात नहीं करनी है, जो आप लोग कमेंट देने लो सर ऐसा होता कहाँ है वो सब पे नहीं बात करनी, मैं आपको लॉ बता रहा हूँ क्या है। तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो कुछ अच्छा काम कर रही है, और जब वो कुछ अच्छा काम कर रही है तो हम उसको अननेसेसरी लिटिगेशन में नहीं ड्रैग करेंगे। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ये जो गवर्नमेंट सूट है ये पब्लिक पब्लिक सर पब्लिक ऑफिसर की भी बात करता है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी, इन दोनों चीजों की बात करता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कर सकते हो, पब्लिक ऑफिसर के भी अगेंस्ट अगर आपको करना है और इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उसके लिए भी यही ऑर्डर और रूल्स अप्लाई होते हैं। इसमें ये तीन चीजें आपको समझनी होती है गवर्नमेंट सूट में जनरली। पहला तो इसमें नेम्स की बात आती है छोटी सी, कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज नेम्स की आती है। एक आती है नोटिस की, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेक्शन 80 की नोटिस बोला जाता है इसको, सेक्शन 80 की नोटिस। और नोटिस के बाद आपको बेसिकली समझना होगा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिक्री आ गई है तो यहाँ पे भी एक वही लॉजिक लगता है जो मैंने शुरुआत में बताया था, अब इसको करते हैं। तो नेम्स की बात तो आपको समझ में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो यूनियन ऑफ इंडिया होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी तो स्टेट ऑफ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ दैट गवर्नमेंट, ठीक है, ये बहुत लॉजिकल छोटी सी बात है। नोटिस की बात जहां तक आती है, नोटिस की बात सिंपल भाषा में कही गई है कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आपको उनको 2 मंथ की नोटिस देना जरूरी है। 2 मंथ की नोटिस मैंडेटरी है, 2 मंथ की नोटिस मैंडेटरी है जब ये बात बोली जाती है तो उसका लॉजिक भी वही है कि गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है, ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि आपकी बात को नजरअंदाज कर देगी, आपकी बात को नजरअंदाज कर देगी। और अगर आपका क्लेम एक्चुअली में सही है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट हु इज अ रिस्पॉन्सिबल एंटिटी विल एक्चुअली सॉर्ट योर क्लेम देन एंड देयर एंड यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सोचकर, ये सोचकर ये प्रोविजन बनाया गया है जो ये कहता है कि अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो आप पहले उनको 2 मंथ का नोटिस दे दीजिए, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है और वो शायद आपका क्लेम ऐसे ही सॉर्ट कर दें अगर आपकी बात सही है, ठीक है। यार गवर्नमेंट होते हैं जजेस, अभी आई एम नॉट टेकिंग कमेंट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक बार पढ़ लेते हैं अपन फिर वी विल कम, ठीक है। तो आइडिया ये है कि नोटिस सेक्शन 80, 2 मंथ्स मैंडेटरी, ठीक है।
लॉ ये समझाता है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दीपक जी, अशोक जी, अब मैं आप लोग बताओ, आप लोग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चंस अगर लेते हो, मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा तो मैं टॉपिक नहीं ले पाऊंगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन दैट लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द क्लास आई विल टेक ऑल योर पॉसिबल क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन होगा आई विल टेक इट, बट लेट मी कंटिन्यू, बिकॉज अगर मैं बीच में चीजें आंसर करता हूँ तो मेरा फ्लो बिगड़ जाता है एंड देन आई हैव टू गैदर अ लॉट ऑफ थिंग्स बैक, पुराना पीछे से कनेक्ट करना पड़ता है और मेरा जो डिलीवरी है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, मतलब मैं उस फ्लो में नहीं आ पाता हूँ, फ्लोट हो जाता है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द लास्ट 15 मिनट्स, आई विल एक्नॉलेज एंड आंसर ईच एंड एवरी थिंग दैट यू आस्क, ठीक है, प्लीज, थैंक यू। अभी सुनो, अभी सुनो, पहले लॉजिक सुन लो, मैं क्या बता रहा था आपको कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सूट, ठीक है, गवर्नमेंट सूट की बात मैं कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि देखो बात इतनी सी है यार, ठीक है, बात इतनी सी है, हम सब लॉयर्स हैं, ठीक है, और हम सब ग्रेजुएट हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी बात बताऊंगा तो आपके उसके पॉसिबल क्वेश्चन होंगे ही, ठीक है, और मैं उन सारे पॉसिबल क्वेश्चन को आंसर भी कर सकता हूँ, बट इसके दो फेसेट हैं। पहला ये कि हर क्वेश्चन का आंसर आपकी जुडिशरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पहली चीज, एंड दूसरी चीज वो फ्लो को बिगाड़ता है और फिर बाकी सबका भी नुकसान होता है। मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक को नहीं, इन जनरल समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, आप लोग बहुत समझदार लोग हो, अच्छे लोग हो, तो बस इस चीज को समझना, ठीक है, चलो। तो अभी बात करते हैं अपन गवर्नमेंट सूट की, आप कोई कमेंट नहीं करेगा, मेरी बात सुन लो, गवर्नमेंट सूट की। तो गवर्नमेंट सूट में हम यही समझा रहे थे कि आपने उनको 2 महीने का टाइम दिया कि वो आपका क्लेम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, अगर वो 2 महीने में नहीं करते तो आपके पास डेफिनेटली यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच द कोर्ट। अब ये जो नोटिस होता है इसके ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे लॉ ये समझाता है कि सर ये जो आपने सेक्शन 80 में नोटिस भेजा है, इस नोटिस में आप प्रॉपरली अपना नाम लिखेंगे, प्रॉपरली अपना एड्रेस लिखेंगे, प्रॉपरली आप अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखेंगे और प्रॉपरली आप अपना रिलीफ लिखेंगे। बेसिकली द आइडिया हियर इज कि अगर आपको गवर्नमेंट को आप नोटिस दे रहे हैं तो लॉ क्या प्रिज्यूम करता है कि गवर्नमेंट आपका जो भी इशू है उसको सही तरीके से रिजोल्व कर देगी, तो उसको रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट को भी आपका पॉइंट समझना जरूरी है। तो आप इस नोटिस को जस्ट डोंट टेक इट एज अ फॉर्मेलिटी। और जो सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था, उसने भी इस गवर्नमेंट नोटिस के बारे में डिटेल में बात करी थी, उन्होंने उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लाइबिलिटी पे भी बात करी थी जिनके पास ये नोटिस आता है और वो उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते। उन्होंने ये कहा कि ये जो एंटायर प्रोविजन नोटिस का बनाया गया है 2 महीने का, इसका लॉजिक ही यही है कि गवर्नमेंट को परेशान नहीं किया जाए। अगर ये जो नोटिस है इसको आपने महज एक औपचारिकता मान लिया, आप अपने साइड से भी आपने औपचारिकता मान लिया और गवर्नमेंट में रिप्लाई करने में भी एज औपचारिकता मान लिया, तो एंटायर दिस प्रोसीजर इज ऑफ नो मीनिंग। तो उन्होंने कहा कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव वही अचीव नहीं हो पा रहा है इस तरह से। तो उसमें क्या किया गया, उसमें ये किया गया कि पहले तो ये तो लॉ लिखा ही हुआ है, ये तो लॉ ही में ही लिखा हुआ है आपके बेयर एक्ट में कि जब कोई इंसान नोटिस भेज रहा है गवर्नमेंट को तो वो अपना नाम एड्रेस अच्छे से लिखेगा ताकि गवर्नमेंट उससे कॉन्टैक्ट कर पाए अगर उसको रिलीफ देना चाहती है तो। दूसरा चीज अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखेगा दैट वाई ही वॉन्ट्स टू इंस्टीट्यूट द सूट, और तीसरा वो रिलीफ क्या मांग रहा है कोर्ट से वो भी चीज लिखेगा। ये तीनों चीजें जब वो लिख देगा, ये तीनों चीजें लिख देगा, तब दूसरी साइड की लाइबिलिटी भी फिक्स की गई कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन सारी नोटिसेस को ऐसे ही रैंडमली बाईपास कर देगी, एक ऑफिसर अपॉइंट होगा और उस ऑफिसर की एक्चुअल जो लाइबिलिटी है वो भी डिसाइड की जाएगी कि भाई अगर तुम्हारे पास नोटिस आया था एंड यू हैव नॉट रिप्लाइड इन अ प्रॉपर वे या वॉट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू हैव टेकन, तब ये जो नोटिस का काम है ये पूरा, ठीक है। तो इसमें ये चीजें होंगी। अब एक छोटी सी बात और आती है जिसको भी सिंपल भाषा में समझ लो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब नहीं, पहली चीज तो एक ये समझ लो कि नोटिस की सारी बात आ गई, तो नोटिस में एक और बात समझ लो कि अगर नोटिस में कोई छोटा मोटा एरर है, ठीक है, छोटा मोटा एरर है कि जैसे मान लो ये ऊपर नहीं लिखा है कि ये सेक्शन 80 का नोटिस, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मटीरियल इररेगुलरिटी कि आपने प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया। लॉ ने समझाया कि अगर आपका नेम, एड्रेस, कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ, ये चार बातें अगर आई हैं, तो उसके बाद चाहे वो फॉर्मेट में नहीं है,
चाहे उसमें लिखा नहीं है कि ये सेक्शन 80 का नोटिस है, चाहे उसको टाइप्ड वर्जन में नहीं है, किसी भी तरीके से है, तो उसको आप एक मटेरियल इररेगुलरिटी नहीं मान। ठीक है, ये केसेस के थ्रू आया, बस उन्होंने ये समझाया कि नोटिस का मतलब है कि सामने वाली गवर्नमेंट को नोटिस हो जाए कि उनके साथ दिक्कत क्या है, पहली चीज ये हो गई। तो अब नोटिस मैंडेटरी हो गई, 2 महीने का लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब आप बस इतना समझ लो कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस व्हेन द कोर्ट कैन एंटरटेन अ सूट विदाउट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 2 months नोटिस। तो 80 क्लॉज 2 में अगर आप जाते हो, ठीक है, 1976 के अमेंडमेंट आई गेस, उसमें जो चेंजेस किए गए वो यही है कि सर आपको नोटिस मैंडेटरी है, लेकिन अगर प्लेंटिफ कोर्ट में आता है और कहता है कि उसके उसका जो क्लेम है, उसका जो बेसिक क्लेम है, ठीक है, उसके लिए उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, और अगर उसको इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला, उसको इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला, तो फिर उसका जो पूरा कॉज ऑफ एक्शन है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या उसको इरेपरेबल लॉस हो जाएगा, जो अपने टेम्परेरी इंजंक्शन के केस में भी आता है। ठीक है, उसको समझेंगे अपन। तो बेसिकली मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का एक नोटिस आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नोटिस आया कि वो किसी भी एक्स वाई जी इंसान का कल घर गिरा देंगे या 1 हफ्ते बाद उसका घर गिरा देंगे। नाउ ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी कि उस पर उसका पोजेशन भी है, सारे राइट है, सब कुछ है। देयर इज नो पॉइंट व्हाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल डिमोलिश हिज हाउस। तुम अगर लॉ के हिसाब से जाएंगे तो उसको 2 महीने का नोटिस देना है। अगर वो 2 महीने का नोटिस देता है, मान लो वो अगले ही दिन नोटिस भी डिस्पैच करता है, तो भी लॉ तो उनको भी तो टाइम देता है, रीजनेबल टाइम नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर नोटिस का रिप्लाई 2 महीने में नहीं होता है, नोटिस का रिप्लाई तब आप कर सकते हो। ठीक है, 2 महीने का नोटिस पीरियड होना चाहिए कि आपको नोटिस देने के बाद 2 महीना हुआ तब आप कोर्ट में आओगे। ठीक है, तो 2 महीने का नोटिस देना चाहिए, 2 महीने के पहले आप सूट फाइल नहीं करते। मान लो जिस दिन आपके पास ये बात आई कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका घर डिमोलिश कर देगा, उसके अगले ही दिन आपने नोटिस भेज दिया, तब भी गवर्नमेंट के पास तो 2 महीने टाइम है ना रिप्लाई करने का। और आपका घर, वो आपका नहीं मतलब किसी भी एक्सवाइजी पर्सन का घर वो गिरा देंगे आगे 1 हफ्ते में, तो अगर आप नोटिस के लिए वेट करते रहे तो आपका तो घर पूरा डिमोलिश हो जाएगा। फिर मान लो कल को निकल के भी आता है आपकी बात, तो हो सकता है आपको कॉम्पनसेशन मिल जाए, लेकिन वो जो आपने पूरा एफर्ट्स किया है उसका क्या कॉम्पनसेशन, या जो भी आपके साथ हो गया उसको रिस्टोर कैसे किया जाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो उन केसेस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो कि सर हमें कोई इंटरिम रिलीफ दे दीजिए अर्जेंटली बेसिस पे विदाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस, और अगर कोर्ट अलाउ कर देता है तो इन दैट केस विदाउट नोटिस यू कैन गो अहेड विद द केस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सूट मतलब जब आया तब उसके बाद बोलते कि नहीं अभी तुम जाओ वापस। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अशोक जी, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। हाँ, पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कैपेसिटी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अब ये नोटिस की बात आ गई, नोटिस के बाद एग्जीक्यूशन की बात आती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन की बात में भी सिंपल है। मान लीजिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिक्री आ गई है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिक्री आ गई है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिक्री आ गई है, तो इन दैट केस दैट डिक्री विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। बेसिकली वही लॉजिक वापस से कि गवर्नमेंट को समय दिया जाएगा कि अगर आपके अगेंस्ट डिक्री है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए अपनी तरीके से। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं 3 महीने तक, देन यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट कि सर क्या नाम है, आप इसको कर लीजिए। ठीक है, आप मतलब आप एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट लेती है, या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, या आप पुलिस के पास जाते हैं, जो भी चीजें होती है एग्जीक्यूशन में, वो आप 3 महीने बाद कर सकते हैं। तो 3 महीने तक के लिए ये भी वेट करेंगे, 3 months के लिए ये भी वेट करेंगे। ठीक है, 3 months के लिए ये भी वेट करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई। विड्रॉल हो गया, ये हो गया, समझ में आ गई सारी बात, यस और नो? आज क्लास लंबी चलने वाली है, ठीक है। आई होप आप सब लोग खाना वाना खा के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट। ठीक है, इसको अपन समझेंगे सेक्शन 88 ऑर्डर 35 में। ठीक है, ऑर्डर 35 सेक्शन 88 में। ठीक है, ठीक
ठीक है। अभी इंटरप्लीडर का क्या मतलब होता है? इंटरप्लीड का मतलब होता है आपस में लड़वाना, ठीक है, इंटरप्लीड, ठीक है, इंटर आपस में प्लीड करेंगे, दैट इज नोन एज इंटरप्लीड, ठीक है। देखो सर प्लीज क्लियरली क्रिएट अ प्लेलिस्ट, ठीक है। इंटरप्लीडर सूट, ठीक है, इंटरप्लीडर सूट समझो क्या है। इंटरप्रीटर सूट एक सिंपल सा सूट है, एक सिंपल सा सूट है, शांति से सुनना, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट से भी कम का टॉपिक है। एक ए है, इसको कोई वॉच मिली जो ए की नहीं थी। बी इसके पास आया, बोला तुमने मेरी वॉच देखी क्या? वो बोलता है हाँ मेरे को एक वॉच मिली है, वो तुम्हारी है क्या? कहता हाँ मेरी है, मुझे दे दो। कहता ठीक है अच्छा मैं अभी ले आता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ अगर तुम्हारी है तो। कहता ठीक है। तब से सी आ गया वहां पे, कहता मेरी ब्लैक कलर की वॉच देखी क्या तुमने? ठीक है। वो कहता वो तुम्हारी वॉच है? कहता हाँ। वो कहता बी कह रहा है उसकी वॉच है। सी कहता नहीं मेरी है। बी कहता है मेरी है। अब सिचुएशन क्या है इस केस में? ये वॉच मैंने हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए इसलिए लिया, ये डेट भी हो सकती है, ये पेमेंट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है दो पार्टनर्स थे एक फर्म के और किसी पार्टी का पेमेंट आना था एंड नाउ द पार्टनरशिप फर्म हैज बीन डिसॉल्व। बहुत सारी चीजें हो सकती है, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वॉच का एग्जाम्पल कैटेगोरिकली इसलिए दिया गया है, इसमें प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होती है इंटरप्रीटर में, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो, ठीक है। अब ये कहता है कि यार देखो वॉच मेरी तो नहीं, ठीक है, वॉच मेरी तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी है या तुम्हारी है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मुझे नहीं पता। जनरल टर्म में आप यही बोलोगे ना सर, वो पूछेगा कौन से कलर की है, कौन सी ब्रांड की है, बिल है कि नहीं, वो एक जनरल बात हो गई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको लॉ समझाना चाह रहा हूं। तो अब क्या हुआ, बी भी प्लीड कर रहा है, सी भी प्लीड कर रहा है, और वॉच ए की नहीं, तो ए जाएगा कोर्ट के पास, ए जाएगा कोर्ट के पास और कोर्ट से बोलेगा सर मेरे पास एक वॉच है, ये वॉच मेरी नहीं है, और बी और सी दोनों इंसान जो हैं ये मुझसे बोल रहे हैं कि ये मेरी वॉच है, ये मेरी वॉच है। अभी मैं एक को अगर वॉच दे देता हूं तो दूसरा इंसान मेरे अगेंस्ट केस कर देगा कि इसने ये वॉच चुराई है या इसने ये वॉच मेरी ले ली, एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक है। तो अभी मेरी सिचुएशन ये है कि सर मैं आपके पास आया हूं, आप देखिए इस वॉच का क्या करना है, ये मेरी नहीं है, ठीक है, और मैं इन लोगों से मिला नहीं हुआ हूं, और मेरी आप देखिए आपको क्या करना है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि अभी ये जो ए था जिसको वॉच मिली थी, ये क्या बनता है, ये प्लेंटिव बनता है, ये प्लेंटिव बनेगा कोर्ट में, और ये दोनों बनेंगे डिफेंडेंट, ये दोनों डिफेंडेंट बनेंगे। तो प्लेंटिव कोर्ट में आया टू इंटरप्लीट द डिफेंडेंट्स अमंग्स देमसेल्फ, कि दोनों डिफेंडेंट्स को आपस में लड़ाने के लिए प्लेंटिव कोर्ट में आया, ठीक है। तो प्लेंटिव कोर्ट में आके ये कहता है सर देखो मेरी वॉच नहीं, लेकिन इस वॉच को लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या एक्स वाई जी कुछ भी जो भी चीज था, इसको रखना पड़ा कहीं पे या इसको सेल डालना, जो भी था कोई और चीज था जो खराब भी हो सकता था, तो भी मेरा 100 रुपए का एक्सपेंस हुआ है, तो आप एक काम करिए मुझे 100 रुपए दे दीजिए और ये घड़ी आप रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये घड़ी तो मेरी है नहीं, ठीक है, इसका जो भी टेक केयर किया मैंने उसमें मेरा 100 रुपए लगा, या मैं यहां तक इसको लेके आया, या मैं एक बार इनको दिखाने ले गया, एक बार उनको दिखाने ले गया, जो भी उसको करने में मेरा पैसा लगा है, बेसिकली वॉच है ना ये, अगर कोई और चीज हो जाती जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी तो आपने पैसा लगाया होता, तो दैट कैन ऑल्सो बी इन। तो इसमें क्या है, वो कहता है सर आप मेरा पैसा दिला दो और मेरे को फ्री कर दो, आप इन दोनों को देखो। तो इस केस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट बी को बोलता है 50 रुपए दो, सी को बोलता है 50 रुपए दो, और प्लेंटिफ को मतलब ए को 100 रुपए दे के फ्री करो, और बी और सी में से किसी एक को उठा के वो प्लेंटिफ बना देंगे, ठीक है, बी और सी में से किसी एक को उठा के प्लेंटिफ बना देंगे। तो बी बन गया अब प्लेंटिफ और सी बन गया डिफेंडेंट, क्योंकि तो प्लेंटिफ नहीं होगा तब तक कैसे सूट चलेगा। तो प्लेंटिफ उठा के उसको प्लेंटिफ बना दिया और ये डिफेंडेंट रहा, और जो ए साहब थे वो अपना पैसा लेके निकल गए। अब इन दोनों के बीच में डिसाइड होगा कि घड़ी किसकी है। तो दिस सूट दैट वाज इनिशिएटेड बाय ए इज नोन एज अ इंटरप्लीडर सूट, बस दैट इज द एंटायर कंसेप्ट अबाउट इंटरप्लीडर। इसमें एक दो चीजें और याद रख लेना कि एजेंट, टेनेंट मतलब इसका प्रिंसिपल,
और इसका लैंडलॉर्ड, ये आपस में इंटरप्लीड नहीं करा सकते, ये नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं। अगर कोई टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी में रह रहा है बाई अ रिटन अग्रीमेंट, ठीक है, तो वो नहीं लैंडलॉर्ड को बोल सकता है कि तुम प्रूव करो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कोई और कह रहा है तो मैं उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दूंगा। और ऐसे ही एजेंट भी नहीं कर सकते, एजेंट और लैंडलॉर्ड के केस में ये नहीं लगता है, ये एक्सेप्शन है, ये दो एक्सेप्शन है और ये बहुत लॉजिकल एक्सेप्शन है, ठीक है, ये बहुत लॉजिकल। आप सोचो मेरी बात, सिंपल सोचो, आप एक लैंडलॉर्ड हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है एक टेनेंट को दे दी जो वहां 10 महीने से रह रहा है, ठीक है, 10 महीने से रह रहा है। अभी टेनेंट मान लो कोर्ट में जाके सूट फाइल करता है कि सर ये मेरे, मैं इस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हूं, लेकिन ये लैंडलॉर्ड तो है ही है, कोई एक तीसरा आदमी थर्ड इंसान आया है जो बोल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी है, तो मुझे नहीं पता किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप बताओ मैं पोजीशन किसको दूं। तो कोर्ट कहेगा तुमको रखा किसने था टेनेंसी पे, कहेगा सर लैंडलॉर्ड ने, तो कहेगा तुम्हें तीसरे आदमी से क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है, तुम अपने लैंडलॉर्ड को पोजीशन दो और निकलो, तुम अननेसेसरी उन दोनों को डिस्प्यूट में क्यों डालना चाहते हो। सो ये सिंपल केस है लैंडलॉर्ड और टेनेंट और एजेंट और क्या नाम है प्रिंसिपल का, जिसपे आपका इंटरप्रेटर का कंसेप्ट नहीं लगता। समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बस शुरू करते हैं हम, ठीक है, एक दो पॉइंट्स और रहते हैं, एक दो पॉइंट्स तो नहीं, खैर टेम्परेरी इंजंक्शन बताना है, अपील बतानी है, एग्जीक्यूशन बताना है, ये तीन चीजें तो अभी बतानी रहती हैं जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि थोड़ा सा आगे जाओगे तो इंटरप्रेटर में एक छोटा सा पॉइंट और है, बट वो छोड़ो, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर ऑलरेडी ए कॉम्प्रिहेंसिव सूट एग्जिस्ट कर रहा है विद रेफरेंस टू द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी, देन द इंटरप्रेटेड सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, बट वो ठीक है, हो जाएगा। इंटरप्रेटर में अपीलेबल है, डिक्री अपीलेबल है, नॉर्मल सूट हो गया ना। इंटरप्लीडर का क्या है हिसाब किताब ना, जब तक वो ए जो आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रॉपर्टी में, वो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है, तभी तक इट इज अ इंटरप्लीडर, मतलब वो इंटरप्लीट करा रहा है। एक बार प्लेंटिव डिफेंडेंट स्विच कर दिए गए तो वो एक रेगुलर सूट बन गया और उसमें एक रेगुलर डिक्री आएगी जो अपीलेबल है, ठीक है। अभी समझ लो, टेम्परेरी इंजंक्शन, बेसिकली टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब भी कहीं ना कहीं वैसा ही है कि साहब आपको एक इंटरिम रिलीफ की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको इंटरिम रिलीफ नहीं मिला तो कोर्ट अगर आपके फेवर में भी डिक्री देता है तो दैट डिक्री विल गेट इनफ्रक्चुअस, कहने का मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता और उसका कोई भी मतलब कोई मतलब नहीं रह जाएगा ऑफ गेटिंग अ डिग्री लाइक। तो टेम्परेरी इंजंक्शन का सिंपल मतलब है कि आपने, देखो पहले टेम्परेरी नहीं, बेसिकली इंजंक्शन का मतलब यही होता है कि किसी भी इंसान को किसी कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी चीज करने के लिए रोकना या मैंडेट करना। अगर आप इंजंक्शन की बात करते हो तो दो तरह के इंजंक्शन होते हैं, एक होता है आपका प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी प्रोहिबिटरी का मतलब होता है कि आपको प्रोहिबिट करेगा किसी काम को करने से, और दूसरा होता है मैंडेटरी, मतलब आपको मैंडेट करेगा कि आप ये काम करो, जैसे किसी को प्रोहिबिट करेगा कि तुम घर गिराओ मत,
ठीक है, और किसी को मैंडेट करेगा कि तुम ये जो भी तुमने खराब किया इसको सही करो, ठीक है। सो दिस इज मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन के आधार पे दो तरीके से अगेन हो सकता है। एक होता है आपका परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, और एक होता है आपका टेम्परेरी इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन आपका SRA में डेल्ट है, ठीक है, सेक्शन 38 में। सेक्शन 38 SRA डील्स विद परमानेंट इंजंक्शन, और टेम्परेरी इंजंक्शन यहाँ पे आपका ऑर्डर 39, ठीक है, रूल 125 में डेल्ट है, ठीक है। SRA की जरूरत नहीं, देखो SRA में ये सब प्रोहिबिटरी मैंडेटरी परमानेंट के बारे में बात की गई है, अपने को सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन देना है। टेम्परेरी इंजंक्शन का रोल ही सिर्फ इतना है कि सर आपको ऐसे बेसिकली आपको इस चीज की जरूरत है कि अगर अगर अभी ये चीज रोकी नहीं गई तो फिर इस डिक्री का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दैट इज द लॉजिक फॉर द टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मजेदार है और जो हम लोगों को बता रहती है अपना ब्राउनी पॉइंट, वो ये है कि टेम्परेरी इंजंक्शन नो डाउट ऑर्डर 39 रूल 125 में दिया हुआ है, ठीक है, और CPC की पावर्स हैं कोर्ट की टेम्परेरी इंजंक्शन दे, ऑर्डर 39 में दिया हुआ है और आप उसके थ्रू गवर्न होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में ही कोर्ट दे सकता है। अगर ये प्रोविजन ना भी होते, अगर ऑर्डर 39 ना भी होता, तो भी सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, जो सॉरी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट की बात है 151 ऑफ CPC में, उसके तहत जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस में कोर्ट हमेशा इंजंक्शन दे सकती थी, ऑलवेज, ठीक है, इवन इफ दिस प्रोविजन वॉज नॉट देयर, ठीक है। तो दिस जस्ट 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 कीप दैट इन माइंड, ऐसे ही थोड़ा सा लिंकिंग करके याद रखो उसको कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अभी ग्राउंड्स ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन मैंने आपको बेसिकली समझा दिए कि वो डिक्री इनफ्रेक्चुअस हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगा। अभी कोर्ट को कैसे डिसाइड करना है कि टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो गुजरात बॉटलिंग कंपनी का जो केस था, ठीक है, जो एक लैंडमार्क केस माना जाता है, गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला, उसने बेसिकली बताया था कि कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी कि इस सूट में टेम्परेरी इंजंक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए कोर्ट को तीन चीजें देखनी होती है, कोर्ट को तीन चीजें देखनी होती है। पहला होता है प्राइमाफेसाई केस, ठीक है, प्राइमाफेसाई केस। दूसरा होता है इरेपरेबल लॉस, इरेपरेबल लॉस, इरेपरेबल लॉस और इंजरी। और तीसरा होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये तीन चीजें होती हैं जो आपको किसी भी मेंस एग्जाम में लिखनी भी होती है और समझना भी होता है। इट सिंपली सेज कि प्राइमा फेसाई केस का मतलब है कि हाँ, प्राइमा फेसाई केस का मतलब है कि जो एप्लीकेंट है, जो कोर्ट में पहुंचा है, उसका पहली चीज तो एक बोनाफाइड केस होना चाहिए, उसका एक बोनाफाइड केस था। दूसरी चीज, ये आर्ग्यूएबल है और मेरिट्स पे उसका केस स्टैंड कर रहा है, और वो छोटे मोटे जो एविडेंसेस लाता है उसकी, उसको देख के कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द डिक्री कैन बी इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब कोर्ट एक छोटा सा इंक्वायरी करता है, आप ये समझो वो बोलेंगे तुम्हारे पास टाइटल डीड है, तुम्हारे पास कुछ और है, क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ। इस तरह की चीजें कोर्ट ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद वो ये डिसाइड करेंगे कि ये इंसान का जो क्लेम है, जो रिलीफ ये क्लेम कर रहा है, वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ इट, इफ द कोर्ट बिलीव, पूरा ट्रायल नहीं होगा यहाँ पे, पूरा ट्रायल नहीं होगा, लेकिन कोर्ट को लगता है कि इसका केस है, कोर्ट सोचे नहीं ब्रो ही हैज अ केस, इन दैट केस ही दैट विल बी स्टैब्लिश्ड कि प्राइमा फेसाई केस है। दूसरा होगा इरेपरेबल लॉस और इंजरी। ये कोर्ट को देखना होगा कि अगर आज हमने इसको टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया तो क्या इसे ऐसा लॉस या इंजरी होगा जिसको हम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में कॉम्पनसेट ही नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा लॉस है आपको, वो बिल्डिंग गिराने जाने तो बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, तो इरेपरेबल लॉस हो जाएगा ना। कोई और जाके वहां पे बिल्डिंग बना रहा है, तो अगर उसने बना दी तो फिर उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, कैसे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो उस तरह की चीजों में इरेपरेबल लॉस माना जाता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का ये मतलब होता है कि आपको दोनों पार्टीज को वे करके देखना है कि वो भी इंसान उस प्रॉपर्टी पे या उस डिस्प्यूट में क्या कर रहा है बेसिकली। और अगर हमने उसको इंजंक्शन दे दिया, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, जो एप्लीकेंट है उसका कोई एग्जैक्ट केस है, एग्जैक्ट उसका केस है कि भाई उसको क्या नाम है, वो जीत सकता है मेरिट में,
लेकिन दूसरा इंसान उस प्रॉपर्टी पे अपना रोजगार कमा रहा है, और अगर अभी उसको हमने क्या नाम है इंजंक्ट कर दिया, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट नॉट एबल टू अर्न हिज ब्रेड. सो इन दैट केस यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, और ये तीन प्रिंसिपल्स जब होंगे तब आप किसी को भी इंजंक्शन दे सकते हैं. ये जो बेसिक तीन प्रिंसिपल्स थे और बाकी चीजें थी, ये गुजरात बॉटलिंग कंपनी, बेटा गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड, हाँ किसी ने लिख दिया एकता जी ने. चलो थैंक यू एकता जी. ठीक है, अभी कोई इंजंक्शन को ब्रीच करता है तो 3 महीने का सजा हो जाएगा. ठीक है, और क्या नाम है प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, और ये सारी चीजें हैं जो आपको उसके एग्जीक्यूशन में मिल जाएंगी. तो दैट इज द बेसिक अबाउट द इंजंक्शन. ठीक है, इंजंक्शन. ठीक है, तो इंजंक्शन अपना यही इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है. ठीक है, अभी मैं आपको दो चार्ट्स और बनवा रहा हूं, बस वो दो चार्ट्स बना लो फाइनल, और उसके बाद हम इसको एंड करते हैं. उन चार्ट्स को आप एक बार पढ़ना, ठीक है, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा. एक मैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन का चार्ट बनवाना चाहता हूँ कि डिक्री तो आ गई कोर्ट की, उसको जब एग्जीक्यूट करना है तो कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं या क्या क्या मोड्स हैं बाय विच दे कैन एग्जीक्यूट अ डिक्री. ठीक है, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बस दो चार्ट और बना लो. ठीक है, और उसके बाद अपना काम हो जाएगा. कल अपन एमसीक्यू करेंगे, कंसेप्ट्स की बात आज ही होनी थी, और फिर अभी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 10 बजने वाला ऑलरेडी, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात है वो मैं कल की क्लास में आपको शुरुआत में टिक लगवा दूंगा. सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट रूल्स, प्रोविजन, सब कुछ टिक लगवा दूंगा मैं आपको, और उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे. कंसेप्ट की क्लास आज खत्म होती है. ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में लिख लो, पहला डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, या तो उससे प्रॉपर्टी ही ले लिया जाएगा. ठीक है, ये दिया हुआ आपको सेक्शन 51A में एग्जीक्यूट करने के लिए. अटैचमेंट एंड सेल, अटैचमेंट एंड सेल, बच्चा बताने को बहुत कुछ है बट आई हैव लिमिटेड मींस. ठीक है, आप एक बार बेयर एक्ट से पढ़िएगा, मैंने चूज कर लिया था कि कौन से बेस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा आपको यार देखना पड़ेगा. अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, ये दिया हुआ है 51C में. ये मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब इस तरीकों से कोर्ट अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है. अरेस्ट एंड डिटेंशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और रिसीवर. ठीक है, और इन सच अदर केसेस एज द नेचर, एक मिसलेनियस प्रोविजन है जिसमें कोर्ट किसी भी और तरीके से अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है. ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का चार्ट रख लो, काम आएगा, कभी जब पढ़ोगे तो हैंडी लगेगा. ठीक है, इनहेरेंट पावर्स के बारे में आपको पता ही है, सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर. इनहेरेंट पावर का सिंपल भाषा में मतलब होता है दैट द पावर्स आर प्रेजेंट विद द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ, एंड द सेक्शंस व्हिच टॉक्स अबाउट द इनहेरेंट पावर ओनली एक्नॉलेज द सेम एंड डू नॉट बेस्टो द इनहेरेंट पावर्स. उनके पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं ये सेक्शन. अगर आप देखोगे तो आपके सेक्शन 148 से लेकर 153A तक सारे ही प्रोविजंस जो हैं वो इनहेरेंट पावर के बारे में ही बात करते हैं. 151 जनरल है, बाकी जो है वो इंस्टेंसेस ऑफ इनहेरेंट पावर है कि भाई एनलार्जमेंट ऑफ टाइम कर सकते हो, पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो. ये सारी चीजें आपकी इनहेरेंट पावर के कंसेप्ट के अंदर आती है. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, आपकी समझ में आ गया. देखो अपील की बात थोड़ी सी कर लेते हैं. ठीक है, अपील का सिंपल बात है यार, अपील के कंटेक्स्ट में यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर दैट अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑलवेज. ठीक है, अपील वही हो सकती है जहां पे कोड में दी हुई है. ठीक है, एंड नॉट अदरवाइज. अब अपील कब कब हो पाएगी, अपील एक इनहेरेंट राइट नहीं है, अपील इज ऑलवेज अ स्टैट्यूटरी राइट. अपील का राइट आपको स्टैट्यूट से मिलता है. ठीक है, देयर इज नो राइट टू अपील वेयर द स्टैट्यूट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द सेम. तो ये बात अपील के बारे में हमेशा याद रखना. ठीक है, ये बात अपील के बारे में हमेशा याद रखना. अब अपील के लिए क्या क्या जरूरी है, साहब एक डिक्री होनी चाहिए, एक डिक्री होगी उसी की अपील होगी. जब डिक्री होगी, मैं कल टिक लगवा दूंगा. ठीक है, एक अग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए, अग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए, एक अग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए, और एक सुपीरियर फोरम अवेलेबल होना चाहिए, सुपीरियर फोरम अवेलेबल होना चाहिए. ये तीनों चीजें जब होंगी
तब आप एक अपील फाइल कर सकते हो जब वहां पे वो दी हुई है स्टैट्यूट में दैट द अपील विल लाइक। अब राइट टू अपील कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है सीपीसी में, इसकी एक लिस्ट बना लो तो आपको आसान रहेगा। वेयर 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 ऑल द राइट टू अपील, राइट टू अपील अंडर सीपीसी, कहाँ कहाँ पे सीपीसी में राइट टू अपील दिया हुआ है, इसका चार्ट आपके हैंडी आएगा। पहला चीज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री और फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील, ओरिजिनल डिक्री और फर्स्ट अपील, ये सेक्शन 96 आप एक बार जाके पढ़ना ऑर्डर 41 के साथ, ठीक है। दूसरा अपील्स फ्रॉम अपीलेंट डिक्री, बेसिकली दिस इज सेकेंड अपील, ठीक है, अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री, अपीलेट डिक्री और सेकेंड अपील, सेकेंड अपील, सेकेंड अपील जाएगी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, आई टॉक्ड अबाउट इट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आई जस्ट चार्जर 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 जस्ट अ सेकेंड कनेक्टिंग टू द चार्जर। ये इतना लंबा क्लास चलता है ना तो उसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। हाँ राइट, सो नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग, सॉरी 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 जस्ट वन मिनट, ठीक है। तो राइट टू अपील क्या हो गया, अपील फ्रॉम अपीलेंट डिक्री और सेकेंड अपील वर्क्स, ठीक है। सेकेंड अपील 100 to 103 रेड विद ऑर्डर 42, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। थर्ड लिखो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लिखो अपील बाई इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन, ये कहां दिया हुआ है ऑर्डर 44 में, ठीक है। और अपील अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109 रेड विद 45, ठीक है। अब लिखो इन व्हाट केसेस अपील कैन नॉट बी फाइल्ड, ये आप कॉन्सोलिडेट कर लोगे तो भाई एक बार इसको जाके पढ़ना तो आपको समझ में आए, यही एग्जैक्ट प्रोविजंस है जहां पे अपील की बात करी गई, जहां पे राइट टू अपील हैज बीन गिवन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये सिर्फ 5 इंस्टेंसेस हैं जहां पे ये बात दी हुई है, ठीक है। अपील, ठीक है। अभी एक और लिख लो इंस्टेंसेस जहां पे नो राइट टू अपील, जहां पे स्पेसिफिकली लिखा है यहां पे तो राइट है नहीं, ये भले ही डिक्री हो, ठीक है, नो राइट टू अपील, नो राइट टू अपील कहां कहां पे, पहला लिखो, ये सब एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा नहीं आता है। नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री, कंसेंट डिक्री अपन ने पढ़ा ना 96 क्लॉज 3 में, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। बेसिकली प्रिलिमिनरी डिक्री में अगर आपने नहीं किया है तो आप फाइनल डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकते, फाइनल डिग्री पे अपील नहीं लाई करेगी, जो मैंने 97 शुरुआती क्लास में बताया था वो। नो अपील, नो अपील इन पेटी केसेस, इन पेटी केसेस, पेटी केसेस 96 क्लॉज 4 एंड 102, ठीक है। उसके बाद लिख लो नो अपील, नो नॉन अपीलेबल ऑर्डर, सॉरी नॉन अपीलेबल ऑर्डर, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स किसमें, सेक्शन 105 में, सेक्शन 105 में जो प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट अंडर, इसको एक बार पढ़ना है 104 के साथ पढ़ना पड़ेगा कि ऑल ऑर्डर्स जो अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं है उसको आप एक बार देख लेना। तो ये नो राइट टू अपील होगा, इसको लिख लो एक बार, जब आप रिवाइज करना तो एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तो ठीक है, रेफरेंस आपको पता ही है कि कोई अनसेटल्ड चीज है जिसको डिटरमाइन नहीं हुआ है या उसको डिटरमाइन करना है तो दैट इज रेफरेंस। रिव्यू यार बेसिकली सेम कोर्ट के पास होता है, ठीक है, सेम कोर्ट के पास सेक्शन 114 ऑर्डर 47 में रिव्यू आता है जिसमें सेम कोर्ट होता है इन केस अपील इज अलाउड
और अपील हैज नॉट बीन प्रिपर्ड। मेन चीज याद रखना, सेम कोर्ट के सामने होता है, मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड है, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। रिविजन हाई कोर्ट के पास फाइल करेगा, ठीक है, लिमिटेड ग्राउंड्स होते हैं कि भाई एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन दैट वाज नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट, ठीक है, और तुम्हारा फेल टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन दैट वाज वेस्टेड और एक्टेड इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन इलीगली और ऑन मटीरियल इररेगुलरिटी। बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन का जो केस होता है उसको अपना रिविजन होता है बिफोर द हाई कोर्ट। रिव्यू सेम कोर्ट में होता है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई भी एरर है तो वो हो गया, रेफरेंस जब कोई अनसेटल्ड चीज है तो उस पर होता है। तो मैंने आपको रेफरेंस रिव्यू रिविजन भी बता दिया, ठीक है, जनरल ट्रेंड में आपको समझा दिया, अभी आप इसके बाद समझ लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है आपकी सीपीसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई हैड इन माय बैंक फॉर यू इन दिस क्रैश कोर्स, ठीक है, तो दैट्स ऑल है। अब जो भी है यार, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, मतलब आई हैव ट्राइड टू टच अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बग्स बाउंड टू मेक यू रिपोर्ट एनी एरर, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से गाइस दैट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आई हैव ट्राइड टू टच अपॉन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, बस बहुत सारी चीजें यार, अब कहां तक सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई हैव टच्ड अपॉन वो जो फर्स्ट टू क्लासेस में भी अपन ने बात करी थी ना, दैट वॉज विद रेफरेंस टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटअप, कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आप जो भी हो एक बार पढ़ के देखिए, आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, कोई भी टेक्निकलिटी नहीं रहते हैं, लॉजिक पे बेस्ड प्रोसीजर है, चीजों का जवाब ढूंढने की कोशिश करना, आपको चीजों का जवाब मिलेगा। मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन क्वाइट डिटेल, भले ही ये क्रैश कोर्स था लेकिन जितनी भी बातें मैंने बताई हैं दे आर मोर देन इनफ फॉर द टॉपिक्स दैट आई हैव टॉट इन डिटेल, ठीक है। लास्ट के अभी एक दो टॉपिक्स जो थे वो मैंने आपको इलस्ट्रेटिव वे में दे दिए, तो आई होप दैट वर्क्स, ठीक है, आई होप दैट वर्क्स। कल की क्लास में शुरुआत में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा, मतलब इम्पोर्टेंट चीजें टिक करवा दूंगा, दैट आई रिमेम्बर, आई विल डू दैट, बट दैट्स ऑल व्हाट आई कैन टीच यू फॉर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यार देखो, पढ़ाने का तो अंत नहीं है, देखो तुम पढ़ते जाओ हम पढ़ाते जाएं वो खत्म नहीं होगा, बट दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन फॉर दिस सीरीज ऑफ द सीपीसी। कल और परसों अपन एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, सीपीसी के दो दिन, और उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करूंगा, उसको भी 6 क्लास में इसी तरीके से समझाऊंगा। आई होप यू हैव गॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। इफ यू लाइक दीज वीडियोज तो कमेंट वगैरह करना, शेयर सब्सक्राइब करना, and if you are going for the Unacademy subscription, you have been my students, so you can always use the code DPJ10, ठीक है, उधर पे डिटेल में सीपीसी पढ़ाई रहे। अनुजा जी, 1 month के सब्सक्रिप्शन पे आई एम नॉट श्योर मिलेगा नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसमें कल डाल के ये कोड, बट आई वुड से 1 month का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम ले लो ना, 1 month में आपको क्या लगता है आप सब चीज पढ़ लोगे, और हम भी सारी चीज नहीं पढ़ा पाएंगे। आप एक्सपेक्ट करोगे अगर देवशीष सर की सारी क्लासेस में 1 month में देख लो, आई अंडरस्टैंड, अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट है तो अभी रहने दो, 1 month का बहुत महंगा है रिलेटिवली, आप एक बार देखना उसको। नेक्स्ट क्रैश कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, भारती जी बताया ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट आई विल बी टीचिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, कल करा देंगे वैभव जी, कल करा देंगे, कल करा देंगे, ठीक है। बस बात ही हो जाती है ना कि यार चलो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सारा चीज इंपॉर्टेंट लगता है, इतने पेपर देख लिए, इतने क्वेश्चंस देख लिए, कि ऐसा कोई चीज ही नहीं लगता है जो कभी पेपर में आया ही नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अनुजा जी, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्याज जे इंटरव्यू, तो फिर 1 महीने में कोई अलग से इंटरव्यू के सेशंस अभी नहीं चल रहे, तो हाउ विल इट हेल्प, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, नोबडी मतलब टेकिंग सेशंस ऑन दैट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ। अब जो एग्जाम्स आएंगे उनके सेशंस होंगे, क्योंकि अब हमारे बैचेस हैं उस उन सब्जेक्ट्स को लेंगे, आप एक बार सोच लीजिएगा। मतलब यू कैन ऑलवेज सी द लेक्चर्स दैट आई अंडरस्टैंड, बट देन यू कैन सी। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज रियली नाइस।